इस पोस्टर के अंदर एक लाइन है जो बहुत से लोगों को अब चुभने वाली है, और वो लाइन है कि वोट बैंक की खातिर रमजान में इफ्तार पार्टी हो सकती है तो नवरात्र में फलाहार का आयोजन क्यों नहीं हो सकता, हमारे नेता जवाब दें। सुदर्शन वाहिनी ने ये पहल शुरुआत की है, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ से एक क्या मैसेज देने की कोशिश है, और जो ये कॉलोनी के लोग हैं क्या वाकई में इनके मन में क्या है इस तरीके की पहल को लेकर के। सबसे पहले सर न्यूज़ टाइम के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, न्यूज़ टाइम का जो परिवार है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी बताइएगा, आपके मन में कैसे ये आया कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? आमतौर पर ये जो चीज़ें हैं वो जागरणों में दिखाई देती है, इस तरीके कीर्तनों में दिखाई देती हैं, आप नवरात्रि के अवसर पर क्या ये जागरण कीर्तन जैसा ही कुछ है या फिर इससे कुछ अलग है, कैसे आप? नहीं, जागरण कीर्तन टाइप ही है, लेकिन है क्या हकीकत में, मैं बहुत समय से देखता आ रहा था, मैंने देखा हमेशा होता क्या था कि आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी का नेता हो रमजान में इफ्तार पार्टियाँ देते फिरते हैं, वोट बैंक बढ़ा, कोई भी पार्टी का नेता हो चाहे किसी भी पार्टी का, आपने देखा होगा वो अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इफ्तार पार्टियाँ देते हैं। तो मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को नोटिस कर रहा था और मैंने ये महसूस किया यार ये तो सेकुलर देश है, तो इस देश के अंदर, ये करीबन 7 साल पहले की बात है, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई 7 साल पहले जब हमने इस चीज़ को देख तो काफ़ी समय से रहा था, लेकिन जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यार सेकुलर देश के अंदर जब एक लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इफ्तार पार्टियाँ दे रहे हैं, तो यार हिंदुओं के जब नवरात्रे आते हैं तो उसमें हमारी माताएं बहनें भी व्रत रखती हैं भाई, तो उन्हें फलाहार के आयोजन भी उन्हें कराने चाहिए पार्टियों को, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मैंने देखा नहीं। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत खुद शुरुआत की करीबन 7 साल पहले, और उस 7 साल के बाद हमने इस अभियान को आज तक लगातार रखा है, और पहला जो नवरात्रा होता है उसका जो फलाहार का आयोजन होता है हम लोग अपने हिस्से शुरुआत करते हैं कीर्तन के माध्यम से। और अभी मैं आपको बताऊं, मतलब इसमें जैसे आपने कहा कि रमजान के अवसर पर जो वहाँ पे इफ्तार पार्टी होती है तो उनके यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो लोगों को, अपने क्षेत्र के लोग जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है, साथ ही साथ उनको वितरित की जाती है, काफ़ी चीज़ें खिलाई जाती हैं। आपके उस इफ्तार पार्टी में और इस फलाहार में क्या फ़र्क है? पहली बात तो इफ्तार पार्टी में और फलाहार में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर जो है ना नवरात्रे हैं तो यहाँ पर सात्विक ही रहता है, फल फ्रूट ही होते हैं, वहाँ पर प्लानिंगें होती हैं देश के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ़ फतवे जारी करने या अन्य अन्य, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की आराधनाएँ होती हैं, माता की पूजाएँ होती हैं, कीर्तन होते हैं, उनको याद किया जाता है पूजा अर्चना माध्यम से, उनको हम कहते हैं भाई हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको आज ये हमेशा की तरह महसूस होता है। अभी हम यहाँ पर क्या है कि हम अपनी बहन माताओं को बताते हैं अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरीके से आज लोगों को लव जिहाद में माताओं बहनों को फंसाया जाता है, माताओं बहनों को हम अवेयर करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारी माता बहनें आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं, और फिर हम इनको बताएंगे कि लव जिहाद में, देखिए लव जिहाद है क्या, अगर आप अपना नाम बताएंगे जैन नाम अपना रख के आएंगे तो आइए कोई स्वागत नहीं है, हमारी बहन बेटियों को मुझे इतना गर्व है कि नाम के हिसाब से तो नहीं आएंगे, लेकिन जब नाम पलट दिया जाता है तो वहाँ पर होता है कि भाई नाम बदल के आएंगे, कलावा बांध के आएंगे, टीका लगा के आएंगे, तो उनसे भी अवेयर हम लोग करते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम, जैसे हमने कहा ये फलाहार का कार्यक्रम है, ये एक अच्छा मंच हो सकता है अपनी सोसाइटी के अपने लोगों को जो है वो जागरूक करने के लिए? इसमें जो है ना कई मैसेज जाते हैं, जैसे आज कीर्तन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी जाति पूछ के नहीं आया किसी की, सभी माता के भक्त बन के आए हैं, जातिवाद को भी ख़त्म किया जा सकता है, इसको सहभोज के माध्यम से भी लिया जा सकता है, इसमें हमारी माताएं बहनें जो है उन्हें फलाहार भी कराए जा सकते हैं जो व्रत के बाद जो हमें प्रसाद वितरण करेंगे, इससे बहुत सारे मैसेज जा सकते हैं। और सारे संगठनों को ना अपने अपने बैनरों की तरह हम हर साल से अपील कर रहे हैं कि भाई आप लगातार करो तो सही यार, अपने बैनर के नीचे करो, सुदर्शन वाहिनी ने उठाई या नहीं उठाई पहल उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बताऊँ आपको सिर्फ अभी तक गिरिराज जी ने और योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी ने भी फलाहार के आयोजन नहीं किए, योगी जी ने किए थे, आपको पता होगा 2021 में करीन, हाँ 21 में 21 और 22 के उसमें योगी जी ने सभी पुलिस स्टेशन के अंदर ये फलाहार के आयोजन किए थे, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, हाँ आप जाइए गूगल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि योगी जी ने फलाहार कब कराया था, सारे पुलिस अधिकारियों को फलाहार कराया था, गिरिराज जी ने खुले मंच से कहा था बिहार से कि भाई जब आप ये जो शुरुआत यहाँ से की थी तब आपको उतना स्टार्टिंग में सपोर्ट शायद नहीं मिला होगा, ना ही कभी लगा होगा, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री इस मुहिम से जुड़ता है, गिरिराज सिंह जैसे जो है सांसद अगर उसमें जुड़ते हैं, मंत्री यहाँ से जुड़ते हैं, तो आपको लगता है एक मुहिम को बल मिलता है और आपको आगे इंस्पिरेशन मिलती है, हम आगे भी ये काम जारी रखना।
उससे तो ही इंस्पिरेशन तो मिलती है कि भाई इससे मतलब नहीं होता कि किसने आवाज़ उठाई है क्या उठाने, इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारा नाम हो रहा है नहीं हो रहा। बात है कि एक फलाहार का जो शब्द है वो डिक्शनरी से कहीं से निकला और वो देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम बोलते हैं, बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी फलाहार का नाम लेते हैं, हमारे लिए इतना भी बहुत है। इससे मतलब नहीं है कि वो सुदर्शन वाहिनी को जानते नहीं जानते, आज़ाद विनोद को जानते नहीं जानते। बात है कि एक फलाहार का शब्द जो आज तक सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी चिल्लाते थे, कहीं से तो फलाहार का शब्द निकला, हमें उससे ही बहुत संतुष्टि है। जी आमतौर पर आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करना मतलब मेंढकों को तोलने के जैसा है कि आप दो को बिठाओगे तीसरा भाग जाएगा, तो ये काम जो आपको लगता है एक अच्छा मंच हो सकता है कि जहाँ पर 9 दिन हिंदू समाज के लोग जो है एकजुट होकर के बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, समाज के बारे में कर सकते हैं, इस तरीके का एक मंच बन सकता है फलाहार के जरिए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को यहीं से तमाचा मारा जा सकता है, सभी जाति के लोगों को बिठाकर हिंदुत्व के, राष्ट्र के, सनातन धर्म के नाम पर एक करके हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं वो सुलझा सकते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करना और मेंढकों को इकट्ठा करना बराबर है, ये लोग वही बात करते हैं जो हिंदुओं को एक करना ही नहीं चाहते, कुल मिलाकर वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं मेंढक बोलकर हिंदुओं को। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हिंदू एक नहीं होता तो आज सोचिए सरकार 2 बार बनती क्या नरेंद्र मोदी जी की? नहीं बनती ना, नहीं बिल्कुल, ये हिंदू एक है, बस हम लोगों ने उसकी परिभाषा अलग कर दी है, हिंदू लालची है, हिंदू एक नहीं होता, ये जो हमने एक नैरेटिव सेट किया है जो हमें सुनते आ रहे थे उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर इस चीज़ को हम तोड़कर आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। और ये मंच बहुत बड़ा हो सकता है और अगर सभी संगठन वाले इस मंच को अपने अपने नाम से इस्तेमाल करें और सभी लोगों को इकट्ठा करें। जब आपने ऐसी शुरुआत की इसके बारे में मतलब ना ही किसी को जानकारी है, ना ही लोग जो है जानते हैं कि किसी तरीके की फलाहार की व्यवस्था भी हिंदू समाज शुरुआत कर सकता है, इस तरीके की मुहिम जब शुरुआत की तो क्या आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं, जो संगठन बाकी और भी लोग हैं, कहीं से आपको लगा कि लोगों के अंदर जागरूकता आई या फिर लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए देश के अंदर? संगठनों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आम आदमी जो थे, जिन जिन को ये पता चलता गया, लोकल लोग जो थे उन्होंने सहयोग किया, लेकिन संगठनों ने पता नहीं क्यों नहीं किया। संत समाज से भी कोई नहीं आया आगे, लेकिन अब उम्मीद लगती है कि जिस हिसाब से हिंदुत्व का और सनातन का परचम आगे बढ़ता जा रहा है उसका फ़र्क पड़ेगा। और मैं तो सभी से बोलना चाहता हूँ कि भाई आप भी कीर्तन के माध्यम से अपने समाज को इकट्ठा बिठाइए, समस्या समझिए, समस्या सुनिए और उनके साथ खड़े होइए। तो आज़ाद विनोद जी जो है वो तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि एक बेहतर मंच हो सकता है जिस तरीके से इफ्तार पार्टी के जरिए मुस्लिमों को एकजुट किया जाता है, फिर उनकी जो आपस में जो चर्चाएं होती हैं उसके लिए आगे की रणनीति बनाई जाती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो एक अच्छा मंच जो है वो हो सकता है फलाहार के जरिए। उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, उनसे एक बार बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या उनको भी इस तरीके की जब मुहिम स्टार्ट हुई तो उन्होंने साथ दिया और आगे क्या किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रतिज्ञा शर्मा है। कि आपने जब ये सुना कि आज़ाद विनोद जी इस तरीके का कदम उठाने जा रहे हैं, इसमें काफ़ी खर्चा भी होता है, आप 7 साल लगभग वो बता रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपने कभी इनको समझाया नहीं कि आप इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं? तो कभी हिंदू धर्म में कभी हुआ ही नहीं इस तरीके का? नहीं, कुछ गलत नहीं था ना, तो समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं फुल सपोर्ट करती हूँ कि ये कार्यक्रम आगे होते रहने चाहिए, इसमें इसका हमारा ना उद्देश्य ये भी है, एक तो ना लोग इकट्ठा होते हैं, आप जगह जगह देखोगे ना तो ना अब सब घर बंद करा अंदर अपने टीवी मोबाइल में, तो ये 9 दिन है कि हाँ आपस में मिलके बैठ सकते हैं, किसी ना किसी पे मतलब भक्ति भाव तो है ही है, फिर ये होता है कि हाँ जब तो जुट बना बना के महिलाएं आपस में बात भी करती हैं, कुछ ना कुछ चर्चाएं होती हैं। कि एक लव जिहाद जैसा एक मैटर है, ऐसे कई और भी समस्याएं हैं समाज के अंदर जिनको लेकर के घर घर जाके समझाया नहीं जा सकता, पर इस तरीके का मंच बनता है अगर 9 दिन तक तो एक एक बेहतर तरीका हो सकता है कि जहां पर लोगों को संबोधित करके आपस में चर्चाएं करके ही हो सकता है। तो आपको लगता है महिलाओं के बीच में इस तरीके की जागरूकता? जी बिल्कुल, हम ना हमारा हर बार प्रयास रहता है कि जैसे अभी जैसे हमारी महिलाएं बैठी ना, हम लव जिहाद के बारे में बताते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पिछले साल महिला हो वही अब की हो, तो अलग अलग चेहरे भी होते हैं, मिलते जुलते भी होते हैं, जो पिछले साल है तो अब की भी नहीं है, जो नहीं है शायद आगे नहीं होंगे, पर इसमें बच्चियां भी आती हैं, महिलाएं जागरूक होंगी तो अपनी बच्चियों को जागरूक कर सकती है, तो हम लव जिहाद है क्या, कैसे किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम कि कैसे अपनी बेटियों को सेफ कर सकते हैं वो। इस तरीके की जो मुहिम है वो और भी जगहों पर और भी जगह पर होनी चाहिए जिससे आपकी कॉलोनी की तरह बाकी लोग भी जागरूक हों और चीज़ें? जी हमारा प्रयास तो यही है कि हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना अपना मतलब जैसा भी हो
नहीं, मतलब कोई बाहर के जैसे संगठनों से सपोर्ट मिल रहा है तो जैसे समाज में कुछ मतलब 10-12 लोग मिल करके भी थोड़ा थोड़ा खर्चा मतलब करें कर सकते हैं, और हम करते भी हैं ऐसा। फलाहार हमारी तरफ से होता है और बाकी उनकी पूजा पाठ जो जैसा करना चाहे वो करते रहे निरंतर, हमें कोई मतलब प्रॉब्लम। जैसे इन्होंने कहा कि पैसे की अगर किसी को समस्या हो सकती है तो हो सकता है कि अपनी कॉलोनी के अपने घरों में 5-7 लोग इकट्ठे होकर भी इस तरीके से, हमने तो खुले मंच पे कहा है और अभी भी कह रहे हैं और करा भी है, आप देखेंगे अभी आने वाले समय में। हम बोलते हैं कि भाई आप बस कीर्तन का आयोजन कीजिए, सारा खर्चा हम उठाएंगे, फल फ्रूट जो भी आएगा चाहे 1 रुपये का है चाहे 1,000 का है चाहे 10,000 का है, उसका सारा खर्चा उठाएंगे हम। आपको पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं है, बस आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनसे कीर्तन कीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कीजिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि रमज़ान की जो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं उनमें महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है, उनका अलग ही अपना होता है, उसमें सारे पुरुष इकट्ठे होते हैं। लेकिन सनातन धर्म सबका बराबर सम्मान करता है और नारी का मातृशक्ति का तो सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। हमने इसीलिए ये अभियान चलाया मातृशक्ति के लिए खासकर, अगर हम चाहते तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं आदमियों को, लेकिन हमने मातृशक्ति को इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि हमारा ये जो नवरात्र का पावन पर्व है ये मातृशक्ति के लिए है, हमारी माता रानी के लिए है, और माता रानी खुद एक शक्ति का प्रतीक है, और इन माताओं में और ज़्यादा शक्ति भरें हम लोग अपने जो हमें जानकारियाँ हैं, इतना ही हमारा प्रयास है जी। कई लोग ये कहते हैं कि संगठन या देश की बात जो है जो लोग करते हैं, कहते हैं सबसे पहले जो मजबूत करना चाहिए वो अपना घर मजबूत होना चाहिए, फिर अपना क्षेत्र मजबूत होना चाहिए, तब देश को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, तो आप उसी कड़ी में लगभग काम कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है तो मेरा घर मजबूत है, और मेरी पत्नी ने आज तक ऐसा कुछ मेरे को बोला ही नहीं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि ये जो सब चीज़ें हमारे सनातन के लिए ही है। हम यहाँ धरती पर कोई इसलिए थोड़ा ना आए हैं कि हम खाएँ और चले जाएँ, हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हिंदुओं के लिए कुछ करने आए हैं, अपनी गौ माता के लिए कुछ करने आए हैं, वही तो हमारा असली दायित्व है, वही तो मोक्ष का द्वार है। एक लास्ट चीज़ बताइएगा कि ये जो मुहिम है पूरी फलाहार की, अगर दिल्ली के अंदर और भी लोग कहीं ये करना चाहें तो आप क्या उनकी तरफ सुदर्शन वाहिनी की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि वो लोग अगर एकजुट करते हैं, लोगों को हिंदू समाज के लोगों को एकजुट करते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे वहाँ पर फलाहार की व्यवस्था कराएंगे और इस आयोजन में साथ देंगे? सारा खर्चा हमारा, फलाहार का सारा खर्चा हमारा, और ये कोई मैं नहीं कर रहा अपनी जेब से, पूरा मैसेज बता दीजिए कि किस तरीके से ये सारा खर्चा जो है हमारी तरफ से होगा, और ये खर्चा हमारे जो लोग हैं जो हमें 7 साल से लगातार देख रहे हैं वो लोग हमें सहयोग करते हैं, और हम चाहते हैं कि उन्हीं लोगों का सहयोग से हम इस मुहिम को और जाके इस अभियान को और आगे बढ़ाएं। और हम बोल रहे हैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कि भाई आप बेशक से कीर्तन रखिए, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारा फल का या जो भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ेगा आप फल की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा हमारा चाहे 1 रुपये हो चाहे 10,000 हो वो सारा हमारी तरफ से मुफ्त रहेगा। अगर और कोई संगठन वाला चाहे तो उस अभियान को अपने बैनर के तले चला ले, सुदर्शन वाहिनी का कोई नाम नहीं आना चाहिए, उसको भी हम फल की व्यवस्था करा के दे देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य संगठनवाद नहीं है, हमारा उद्देश्य है सनातनवाद, हमारा उद्देश्य है हिंदूवाद। आप कह रहे हैं पोस्टर का लालच नहीं है किसी तरह का, क्या नाम है, हिंदुत्व जो है वो एकजुट होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, फिर असली वजह क्या है कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं? कैसे भी हिंदू जागे, हम भी ये जो बैनर पोस्टर लगाते हैं खाली दिखाने के लिए नहीं लगाते, हम इसलिए लगाते हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें, अवेयरनेस के अलावा हमारा कोई उद्देश्य है ही नहीं प्रचार का, हमारा कुल कुछ भी करें हम उसका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता, उसके अलावा हमारा कोई नहीं। और मैं अभी भी फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कितने भी संगठन वाले हों अगर वो फलाहार का आयोजन करें अपने बैनर के तले करें, सुदर्शन वाहिनी का कोई नाम नहीं आएगा, हमारी फ़ोटो की जरूरत नहीं है, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कीजिए यहाँ से फल की व्यवस्था हम कर देंगे, खर्चा आप बढ़ाएंगे। हाँ, सुदर्शन वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आज़ाद विनोद जी को आप सुन रहे थे, यहाँ पर आपको देखेंगे कि पूरी तरह से जो किस तरीके से उन्होंने फलाहार की व्यवस्था की है और व्रत में खाए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, माता बहनें जो हैं भारी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुई हैं और कोशिश है इनकी कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए अपनी कॉलोनी के जो लोग हैं उनको एकजुट करके, एक मैसेज देने की कोशिश है कि अवेयर किया जाए उन चीज़ों से जो इस्लाम के मानने वाले लोग जो हैं वो हिंदू धर्म के लेकर के कर रहे हैं, उसमें खास करके जो है लव जिहाद को लेकर के नई पीढ़ी जो है उसको जानकारी देना हो, चाहे माताएं बहनों को जो है और सशक्त करने की ओर कदम बढ़ाना हो। नवरात्र के 9 दिन एक बड़ा मंच हो सकता है, इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं सुदर्शन वाहिनी परिवार। आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।